अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आपका चैनल इन एलिजिबल हो गया है? आपने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया लेकिन उसके ऊपर रिजेक्ट होकर इन एलिजिबल लिख दिया गया, जिस तरह के मेरा हुआ था। लेकिन मैंने उसको कल ही मोनेटाइज करवा लिया है और उसका मैंने लाइव स्क्रीनशॉट आपको अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया था और यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। क्या आप लोगों का चैनल भी इसी तरह इन एलिजिबल है और आप लोग उसको मोनेटाइज करवाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा जो मैंने एनालाइज किया और इसको मैंने किस तरह ठीक किया और अभी मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपने इस दूसरे चैनल की, हसीब जाफर प्रो टिप्स के नाम पर मेरा चैनल है जो मैंने आज से तकरीबन एक साल पहले स्टार्ट किया था और नवंबर 2021 में इसके मैंने सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए और ख़ुद इसका वॉच टाइम भी पूरा कर लिया और उस वक्त मैंने इसको मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया। ये तकरीबन आज से 8 मंथ पहले की बात है। तो मेरा ये चैनल रिजेक्ट हुआ और उसके ऊपर इन एलिजिबल का ये वाला ऑप्शन आ गया। फिर उस वक्त मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, मैंने उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर काम करना ही बंद कर दिया और इसी मेन चैनल के ऊपर काम करता रहा। लेकिन उसके बाद आज तक जो सबसे ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं, वो यही आ रहे हैं कि सर हमारा चैनल इन एलिजिबल है, काइंडली इसको ठीक कर दें। सर मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया लेकिन मोनेटाइज नहीं हो रहा। हर बंदे का यही कमेंट, हर बंदे का यही मैसेज। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ कि किस तरह इसको ठीक करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आना तो चाहिए कि इसको ठीक किस तरह करते हैं और मेरे पास कोई चैनल चाहिए। तो मेरे पास मेरा अपना ही चैनल मौजूद है जो कि इन एलिजिबल था। मैंने सोचा फिर उसको पहले ठीक करते हैं, ठीक होगा तो आपको बताएंगे भाई इस तरह ठीक किया मैंने, आप लोग भी कर लें। वैसे हवा में बातें करना तो बहुत आसान है, आपको बोल दूँगा ये कर लें वो कर लें ठीक हो जाएगा, अपना ठीक हुआ नहीं दूसरों को सलाह देना भाई इस तरह आप काम कर लो। तो मैंने पहले उसको ठीक किया, कल ही वो मोनेटाइज हुआ है, उसके बाद ये वाली वीडियो आपके सामने आ रही है कि आपने अभी किस तरह ठीक करना है। सबसे पहले गलती सुने, वो गलती तमाम बंदे करेंगे, अगर वो गलती ठीक करेंगे तो फिर ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। वो गलती कौन सी है? मैंने आज से 8 मंथ पहले मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया, उस वक्त मेरे चैनल पर 10 से 12 वीडियो थी और जब मैंने आज अप्लाई किया मेरे पास 16 वीडियो मौजूद थी इस चैनल के ऊपर। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा था? जो मैंने उस वक्त वीडियो अपलोड की थी वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ थी, यूट्यूब की पॉलिसी के ऊपर पूरा नहीं थी उतर। पहले जब हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते थे तो हमारे पास ऑप्शन आता था कि आपका चैनल रीयूज में चला गया या फिर मिसलीडिंग में चला गया, यानी आपने या तो किसी का कॉन्टेंट यूज़ किया या फिर आपने कोई ऐसा मेटा डाटा यूज़ किया जो कि सही नहीं है, वीडियो के रिलेटेड नहीं है। लेकिन अब ये नया मसला आ गया कि आपका चैनल इन एलिजिबल हो गया, जिसका पता ही नहीं चलता लोगों को कि यह हुआ क्या है मेरे चैनल के ऊपर, क्या मैंने गलती की, क्या मैं ठीक करूं। तो ये ऐसी वीडियो होती हैं जो कि बहुत ही समझने कंसाइज होती हैं, जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है और ये वो वीडियो होती है जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होती हैं। तो मैंने क्या गलती की? मैंने गलती ये की, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी, मैंने वीडियो बनाई थी आरडीपी के रिलेटेड। आप लोगों को सिखाया था कि आरडीपी आपने किस तरह फ्री में क्रिएट करनी है, उसके ऊपर 15 से 20 हज़ार व्यू हर वीडियो के ऊपर इतने ही मुझे आए। जब मैंने अप्लाई किया, यूट्यूब ने देखा किसके ऊपर सबसे ज़्यादा वॉच टाइम है, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो वो वाली वीडियो मेरी आरडीपी वाली थी और यूट्यूब आपको इजाज़त नहीं देता ऐसी चीज़ों के बारे में बताने की जो कि पेड वाली मिलती हों और आप उसको फ्री में बताएं। यूट्यूब ने उसको चेक करने के बाद मेरे चैनल को इन एलिजिबल कर दिया। ज़्यादातर मेरी वीडियो आरडीपी के ऊपर ही थी उस वक्त के अंदर। तो मैंने सिंपल किया क्या, सिंपल उन वीडियोस को जब मुझे पता चला, मुझे पॉलिसी पड़ी तो पता चला ये वाली वीडियो यूट्यूब के खिलाफ हैं, मैंने उन वीडियोस को डिलीट कर दिया और मेरा वॉच टाइम फिर दोबारा से गिर गया जो कि उन वीडियो को डिलीट करने से हुआ। उसके बाद मैंने आज इनके 2 दिन पहले 3 दिन पहले दोबारा से वॉच टाइम इसका पूरा किया और इसको मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया और मोनेटाइज हो भी गया। लेकिन मोनेटाइज करने से पहले मैंने कुछ और चेंजिंग भी की। मैंने अपनी हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक किया कि मैंने किसी के अंदर ज़्यादा टैग इस्तेमाल तो नहीं किए, क्या मैंने हर वीडियो के अंदर देखा कि मैंने किसी के रिलेटेड, यानी कि वीडियो मेरी कोई और हो किसी और चीज़ के रिलेटेड तो टैग नहीं लगाए, या फिर मेरा कोई थंबनेल तो ऐसा नहीं जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो, यानी कि मिसलीडिंग की गई हो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, सिंपल वही एक मसला था कि मैंने ऐसी वीडियो अपलोड की थी जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ थी। अभी आप सोचेंगे कि आपने तो आरडीपी के रिलेटेड वीडियो भी नहीं बनाई तो फिर आपका चैनल क्यों नहीं मोनेटाइज हो रहा? तो सिंपल आरडीपी नहीं, अगर आप लोग फर्ज करें, सबसे छोटी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आप लोग एक वीडियो बनाते हो कि हाउ टू डाउनलोड वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, कि यूट्यूब से वीडियो को किस तरह डाउनलोड करें हम अपनी गैलरी के अंदर,
तो ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन YouTube इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि YouTube ने सिंपल एक ही ऑप्शन डाउनलोड कर दिया जो कि उसकी लाइब्रेरी में रहता है, आपकी गैलरी में नहीं जाता। और आप लोग सिखा रहे हो कि किस तरह अपनी गैलरी में लेके जाओगे, तो ऐसी चीज जो मना की गई हो और आप उसको किसी और तरीके के साथ ये बताओ किस तरह हम कर लेंगे, वो होता है YouTube की पॉलिसी के खिलाफ चीज़ें, और उसको हमने नहीं करना। अगर ऐसी कोई वीडियो आपने अपलोड की है, आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोग सिखा रहे हो किसी का अकाउंट किस तरह हैक करना है, या आप लोग सिखा रहे हो किसी का डाटा किस तरह निकालना है, तो ये तमाम चीज़ें YouTube की पॉलिसी के खिलाफ हैं। आप लोग इस तरह की अगर कोई भी वीडियो है आप जो चेक करें और उसको वहाँ से डिलीट कर दें, सिंपल वॉच टाइम गिरता है गिर जाने दें, उसके बाद आराम से अपना वॉच टाइम खुद कर लें, क्योंकि पूरा मेथड मैंने आपसे शेयर किया है, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट मौजूद है, उसको यूज़ करें, अपना वॉच टाइम कर लें और उसके बाद अप्लाई करें, विद इन 2 and 3 days आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और इसकी लाइव एग्जाम्पल मेरा अपना चैनल जो मैंने मोनेटाइज किया भी है, उसके बाद ही इतने इत्मीनान के साथ बातें कर रहा हूं, क्योंकि वैसे किसी की वीडियो देखकर करता तो आई थिंक सो इतना इत्मीनान के साथ कॉन्फिडेंस से बात ना कर पाता, लेकिन अभी खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आई होप सो ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।